नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज एक 4 BHK आपको दिखाने आए हैं। ये एयरपोर्ट चौक के पास की प्रॉपर्टी है और पहले आप प्रॉपर्टी देखें, फिर आप बाकी आते हैं बाद में करते हैं। यहाँ पे सुंदर सी डिज़ाइनिंग की है फ्रंट पे और यहाँ से एंट्री है फ्लैट की। और ये डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है और जाते ही सामने एंट्री पे आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा जिसमें 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा रखा है। और आगे बहुत लंबा सा यहाँ पे आपको डाइनिंग के साथ में ड्राइंग एरिया भी मिल रहा है। तो यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट्स, वॉल हैंगिंग लाइट्स लगी हुई हैं और LED पैनल बहुत सुंदर डिज़ाइन किया है। एंटीक वॉच यहाँ पे लगाई है और बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स हैं और जो लाइट्स हैं यहाँ पे ब्यूटीफाई कर रही हैं फ्लैट को और ज़्यादा। और किचन यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कबर्ड्स किचन की सब रेडी हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज दी गई है, टाइल्स यहाँ लगाई हुई हैं, चिमनी यहाँ पे लगा दी गई है और यहाँ पे RO की प्रोविज़न भी है, गीज़र की प्रोविज़न भी है और बाहर एंट्री भी है वॉशिंग एरिया के अंदर। और ये अच्छी चीज़ है, किचन के साथ वॉशिंग एरिया अगर अटैच हो तो बैल्कनी भी यहाँ साथ में है तो फीमेल्स का जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे का कबर्ड देखें, यहाँ स्पेस कवर की गई है, नीचे वाली डस्टबिन रख सकते हैं हम। और यहाँ पे जो बकेट्स हैं वो रखी गई हैं। अब चलते हैं फर्स्ट रूम के अंदर जो किचन के बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्रे यहाँ पे टोन है और पेंटिंग लगाकर, नीचे टाइल्स लगाकर, डाउन सीलिंग कर और ये जो लाइट्स हैं ये हर रूम में डिफरेंट डिज़ाइन की हैं, इससे सुंदरता और बढ़ रही है फ्लैट की। तो एसी यहाँ पे स्प्लिट लगा हुआ है, LED लगाने की यहाँ पे स्पेस है। हम इस रूम से बाहर आए और फिर चलते हैं ये कॉमन वॉशरूम के अंदर। तो ये वॉशरूम आ गया, जो गेस्ट हैं उसी को यूज़ करेंगे। लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे और इसके साथ में ये वाला बेडरूम है और इस बेडरूम को बच्चों का, खास करके बच्चियों का रूम कह सकते हैं। तो पिंक यहाँ पे शेड दिया गया है और कलर कॉम्बिनेशन उसी के हिसाब से यहाँ डिज़ाइन किया गया है। बेड यहाँ पे क्वीन साइज लगा है और साथ में यहाँ पे इस एरिया को हम स्टडी टेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे किताबें बच्चे रख सकते हैं। तो ये बच्चों का रूम बनाया हुआ है, यहाँ बच्चों के कपड़े आ जाएंगे। ये एरिया बच्चों के लिए होने की वजह से उसी तरीके का यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं थर्ड रूम के अंदर जिसके अंदर कोई भी रह सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी, फर्स्ट पेरेंट्स भी। और ये बेडरूम जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है और लाइट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट है दूसरे कमरे से। कबर्ड यहाँ पे बड़ी शानदार है, LED पैनल बढ़िया बनाया हुआ है, नीचे की जो टाइल्स हैं वो वुडन शेड की हैं तो वुडन फ्लोरिंग लग रही है। और साथ में इसका अटैच वॉशरूम है, वॉल हैंगिंग सीट आप देख रहे हैं, टाइल्स यहाँ पे ग्रे टोन में है और डाउन सीलिंग करके यहाँ पे छत को कवर किया गया है। तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो आजकल वॉशरूम में हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। अब हम फोर्थ रूम के अंदर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है कबर्ड्स को और जैसे हमने पहले भी बोला कि डिज़ाइनिंग के साथ साथ अगर लेमिनेशन भी हुआ हो तो और बढ़िया चीज़ होती है। तो यहाँ लेमिनेशन भी किया गया है तो इसकी लाइफ लंबी होती है। अब हम हर कमरे की जो एंट्री है वो ड्राइंग एरिया से है। तो ये लास्ट वाला जो रूम है अभी ये और भी स्पेशियस है, यहाँ पे भी कबर्ड्स शानदार हैं और लेटेस्ट
डिज़ाइन के हैं यहाँ पे, और क्वालिटी बहुत बढ़िया दी गई है ताकि वाव फैक्टर आपको फील हो। कर्टन्स और एलईडी पैनल्स, हर चीज़ यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पे भी लेमिनेशन अंदर से हो रखी है वुडन शेड का, तो फील होता है कि काम अच्छा किया गया है, और उसी के हिसाब से फिर प्राइस भी अच्छा बिल्डर चार्ज करेगा। तो ये जो वॉल हैंगिंग सीट्स हैं यहाँ पे, और जो टाइल्स हैं ग्रे शेड की हैं यहाँ पे, और आजकल जो ट्रेंड में है वो लगभग हर चीज़ यहाँ पे लगा दी गई है। तो बेडरूम के अंदर हर रूम की जो हैंगिंग लाइट्स हैं छत वाली, वो डिफरेंट की गई हैं। तो यहाँ से बैल्कनी का व्यू है, मैच डोर हैं, और टैब दी गई हैं, पीछे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दिया गया है, और ये वाला एरिया वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो अभी आपने वीडियो देखी और इसमें आपको 4 BHK देखने को मिला है, 164 गज में ये बना हुआ 4 BHK है। मैक्सिमम एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है ताकि आपको जो स्पेस है उसके अंदर मैक्सिमम जो आउटपुट दी जा सके, और पूरा जोर लगाया है डिज़ाइनर ने कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है अगर 4 बेडरूम की, और आप पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्चना चाहते, तो आपको उसमें आपकी पॉकेट में फिट कर दिया जाए। तो इसी तरीके से ये डिज़ाइनिंग की गई है, और S+3 वाला ये जो जेट है इसमें स्टिल्ट में पार्किंग है, और 3 फ्लोर ऊपर है, लिफ्ट भी है। S+3 में नॉर्मली लिफ्ट नहीं होती है, बट ये लिफ्ट भी है, और एयरपोर्ट चौंक के बिल्कुल पास में है, और 7890 इसका प्राइस है, और ये इस प्राइस के अंदर यहाँ पे नॉर्मली 2 BHK मिलते हैं, तो यहाँ पे 4 BHK मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी प्राइस रेंज है, और यूटिलाइजेशन के लिए 4 बेडरूम बहुत अच्छा एरिया होता है, बड़ी फैमिली वहाँ पर रह सकती है, और यहाँ पे आसपास कूलिंग आपको मिल जाएगी, चितकारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, MIT यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अशोका यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एयरपोर्ट है यहाँ पे, KFC आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैकडोनल्ड आपको घर के बाहर मिल जाएगा, बहुत सारे मॉल यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो 80 फिट की जो कार्गो रोड है जो बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी, उसी से आपकी एंट्री हो जाएगी, एयरपोर्ट रोड से भी एंट्री हो जाएगी, पटियाला रोड से भी एंट्री हो जाएगी, बहुत कुछ इसके आसपास आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं रहने वालों के लिए, और डेवलप एरिया के अंदर ये एरिया आता है, और प्राइस जो है वो खास करके बता दें कि यहाँ पे इसके आसपास जो है एयरपोर्ट रोड के ऊपर 2 बेडरूम का इससे महंगा प्राइस है, तो ये 4 बेडरूम उससे सस्ता आपको मिल रहा है। तो ज़्यादा लंबा समय ये नहीं रहेगा, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पहुँचा सकें, और हमारे पास इसके अलावा बहुत सारी और ऑप्शन भी हैं इसी के आसपास ही, जब आप कॉल करके आओगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो उम्मीद करता है कि जब आप आओगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा, और हमारी वेबसाइट है propertyupdates.co.in, उस पर अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ बजट एक ऑप्शन आती है, उसको क्लिक करोगे तो उसी बजट की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी सर्च है और सिंपलीफाई हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।